बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। विदेशी जमीन भारतीय सरकार और प्रशासन की आलोचना जिस मंशा से राहुल गांधी ने की थी, अब वो मंशा पूरी होती दिख रही है। राहुल गांधी यही चाहते थे कि भारत की जो मजबूत छवि, एक लीडर की छवि पीएम मोदी बना रहे हैं, वो बस किसी तरह धूमिल हो जाए और भारत की छवि पर सवाल या धब्बे लगाने का काम राहुल गांधी ने बखूबी करके दिखाया। दरअसल अपने ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर कहा था, कश्मीर एक इमरजेंसी प्रोन स्टेट है और ये तथाकथित हिंसक जगह में उस जगह भी गया था जहां हमारे 40 जवानों को मार दिया गया था। राहुल ने बताया कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो उन्हें सुरक्षा बलों ने यात्रा न करने की सलाह दी थी। अब इसे राहुल गांधी की सोची समझी साजिश कहो या इत्तेफाकन निकले शब्द, लेकिन ये वही जवान है जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान उगलता है और अब राहुल गांधी की बदौलत यही जवान न्यूयॉर्क टाइम्स इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पीस कॉल में कश्मीर को लेकर आर्टिकल प्रकाशित किया गया। इस आर्टिकल में कश्मीर के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए गए, जिसमें लिखा गया, अगर मोदी देश के बाकी हिस्सों में सूचना नियंत्रण के कश्मीर मॉडल को पेश करने में सफल होते हैं तो ये न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा बल्कि खुद भारतीय लोकतंत्र को भी। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल पर अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर लताड़ लगाई है। अनुराग ठाकुर ने इस आर्टिकल का खंडन करते हुए एक के बाद एक 5 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को भ्रामक और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार वाला बताया। अनुराग ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत पहले ही भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी दावों को छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर NYT का तथाकथित ओपिनियन पीस शरारती और काल्पनिक है, जिसका एकमात्र मकसद भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं और मूल्य, ये NYT और कुछ इसी तरह की सोच वाले विदेशी मीडिया द्वारा भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में झूठ फैलाना जारी है। ऐसा झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे ट्वीट में लिखा, कुछ विदेशी मीडिया भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंबे समय से व्यवस्थित रूप से हमारे लोकतंत्र और बहुसंख्यक समाज के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अन्य मौलिक अधिकारों की तरह ही पवित्र है। भारत में लोकतंत्र और हम लोग बहुत परिपक्व हैं। हमें ऐसे एजेंडे से चलने वाले मीडिया से लोकतंत्र का व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में प्रेस की आज़ादी के खिलाफ NYT द्वारा फैलाया गया झूठ निंदनीय है। भारतीय ऐसी मानसिकता को भारत की धरती पर अपना निर्णायक एजेंडा नहीं चलने देगा। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं था जब कश्मीर को लेकर केंद्र पर इस तरह के सवाल विदेशी मीडिया में उठाए गए और इसी मंशा के साथ राहुल गांधी ने इस तरह के विरोधी और भ्रामक बयान दिए थे, ताकि जिस वैश्विक लीडर की छवि को लेकर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं उसे बस किसी तरह से धूमिल कर दिया जाए। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।